हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 28th of March 2020। हम चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे, इसको डिस्कस करते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन रेलवेज और जर्मनी। तो मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडियन रेलवेज़ को यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा जर्मनी की कंपनी से। तो यूनियन कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अप्रूव किया है इंडिया और जर्मनी के बीच में, ताकि जो टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है वो किया जा सके, स्पेशली इन रेलवे सेक्टर। गवर्नमेंट ने बताया कि ये जो मीटिंग हो रही थी कैबिनेट की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे, इस मीटिंग में एक MOU के बारे में बात की जा रही थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसमें इन्वॉल्व होगी, और DB इंजीनियर एंड कंसल्टिंग जो कि एक जर्मनी की फर्म है वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। इस MOU से मेजरली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा वो होगा फ्लाइट ऑपरेशंस में, पैसेंजर ऑपरेशंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, सेकेंड न्यूज़, इंदौर जो कि पिछले 2-3 साल से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड लेके जा रही है, उसने ऑप्ट किया है, उसकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऑप्ट किया कि अब वो लोग ड्रोन्स को यूज़ करेंगे सिटी को सैनिटाइज करने के लिए। ये किया जाएगा क्योंकि जो कोरोना वायरस COVID-19 का एक स्केयर है, जिसकी वजह से रेगुलरली पूरी कंट्री में सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो इंदौर यहाँ एक स्टेप आगे जाकर ड्रोन्स को यूज़ करना चाहता है। तो इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी ऑप्ट करेगा कि वो ड्रोन्स को डिप्लॉय करें, ताकि केमिकल्स को छिड़का जा सके सिटी में। इंदौर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने 2 ड्रोन्स भी हायर कर लिए एक प्राइवेट कंपनी से, और इससे ये बन गई है फर्स्ट सिटी हमारी कंट्री में जो कि ड्रोन्स को यूज़ करेगी सैनिटाइज करने के लिए अपनी सिटी को। म्यूनसिपल कमिश्नर जो इंदौर के, जिनका नाम है आशीष सिंह, उन्होंने बोला है कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको अभी तक कहीं पूरी कंट्री में कहीं ऐसे यूज़ नहीं किया जा रहा, और हम कोशिश करेंगे कि इससे हमको कुछ हेल्प मिले और इसको देखकर बाकी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वो भी ड्रोन्स को यूज़ करें। नेक्स्ट, थर्ड न्यूज़, 25 के आसपास लोगों की डेथ होगी। जो काबुल में एक गुरुद्वारे पर अटैक हुआ था, एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था, इसको काफ़ी कंडेम किया इंडियन लीडर्स ने, अफगानिस्तान लीडर्स ने और वर्ल्ड लीडर्स ने। तो गनमैन और सुसाइड बॉम्बर्स ने 25 वर्शिपर्स को, जो वहाँ पर आए थे गुरुद्वारे में प्रेयर के लिए, जिसमें कि वुमेन चिल्ड्रन सब इन्वॉल्व थे, तो उनकी वहाँ पर डेथ हो गई है और काफ़ी यहाँ पर इंजर भी हो गए हैं, जो सिख गुरुद्वारे पर अटैक हुआ था काबुल में। ये जो अटैक था ये काफ़ी घंटे चला, और जो वहाँ गनमैन थे उन्होंने हॉस्टेजेस रखने की कोशिश करी लोगों को 25th of March को। अफगान की स्पेशल फोर्सेस और जो बाकी वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रूप्स होते हैं उनके साथ एक उन्होंने ये जो गनमैन थे इसके साथ एक काफ़ी लंबी उनकी एक मुठभेड़ चली, एक लड़ाई चली, जिसके बाद उन्होंने पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया। जो ये अटैक था गुरुद्वारे पे, इस अटैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ली है ISI ने, जो कि है इंटरनेशनल इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ISIS ने इस जो अटैक है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। नेक्स्ट, फोर्थ न्यूज़, वर्ल्ड थिएटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ऑन 27th of March टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ थिएटर वर्ल्ड वाइड। तो इस दिन के थ्रू थिएटर की क्या इम्पोर्टेंस है, अब तो थिएटर की इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हो गई है, पर आज से कुछ साल पहले जब जो मूवी थिएटर्स इतने फेमस नहीं होते, तब ये जो ड्रामा थिएटर्स होते थे काफ़ी फेमस होते थे, काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंस होती थी। जो रेनाउंड थिएटर आर्टिस्ट हैं वो पूरी दुनिया में इस टाइम पे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि कैसे आज भी जो थिएटर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया था वर्ल्ड थिएटर डे को। नेक्स्ट, फिफ्थ न्यूज़, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जैसा आपको पता है कि G20 के जो लीडर्स हैं उनकी कुछ एक मीटिंग हुई थी आज से 2 दिन पहले, जिस मीटिंग में उन्होंने बात करने की कोशिश की थी कि कैसे ये जो COVID-19 की वजह से ग्लोबल रिसेशन आएगा, जो ग्लोबल इकोनॉमी डाउन जाएगी, उसको कैसे हम लोग स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो उस मीटिंग में G20 के सारी कंट्रीज़ ने प्लेज किया कि $5 trillion को इन्फ्यूज़ किया जाएगा, मार्केट्स में डाला जाएगा ग्लोबल मार्केट में, ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी उसको थोड़ा सा स्टेबल किया जा सके। तो 26th of March को जो ये मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया कि $5 trillion को इंजेक्ट किया जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी में। इससे असल में होगा क्या कि इतना सारा जब पैसा मार्केट में डाला जाएगा, तो जहां पर बिज़नेस थोड़े रुके हैं वो कोशिश करेंगे अपने आप को फिर से खड़ा करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की, और कुछ हद तक जो स्लो डाउन है उसका इफेक्ट कम किया जाएगा। बाकी G20 के मेंबर्स 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर अश्योरेंस दी है कि वो जितना उनसे बन पाएगा, जितना वो कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे कि रिसेशन को या फिर जो स्लो डाउन है उसको कम से कम रखें। नेक्स्ट, सिक्स न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी की न्यूज़ है। तो IRS ऑफिसर KM प्रसाद और SK गुप्ता को अपॉइंट कर दिया गया है CBDP
डीटी बोर्ड मेंबर्स। तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ 2 IRS ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एज मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उन दोनों का नाम है कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों जो अगर अब उनके अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जो मिस्टर प्रसाद हैं वो एक फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इन दिल्ली। उसके अलावा जो सतीश कुमार गुप्ता हैं वो इस टाइम पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है मुंबई के। नेक्स्ट न्यूज़, लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीडियो, उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा कोविड 19 के लिए, जिसमें कि टोटल 1000 बेड्स लगाए जाएंगे। तो ऐसा अनाउंसमेंट अब तक और कहीं भी नहीं आया कि एक प्रॉपर हॉस्पिटल सिर्फ इस डिजीज से लड़ने के लिए बनाया जाएगा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 2 कोविड 19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल सेटअप करेगी अंडर PPP, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर उड़ीसा की बात करें तो 84,000 से भी ज़्यादा लोग पिछले कुछ टाइम में अब्रॉड से उड़ीसा आए या फिर उड़ीसा को विजिट किया। तो इसका मतलब है कि उड़ीसा में भी आने वाले टाइम में काफ़ी केसेस बढ़ सकते हैं, जिसको देखते हुए अनाउंसमेंट की गई। अभी तक उड़ीसा में सिर्फ 3 से 5 केसेस थे, अब पहले जब इसको बनाया गया था तब 3 था, अभी 5 पे पहुंच गया नंबर। और ये जो हॉस्पिटल्स बनाने में जो सारा फंड है, इस फंड को कोशिश की जाएगी काफ़ी फंड यहाँ से CSR के थ्रू भी निकाला जाए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, ताकि इन हॉस्पिटल्स की जो कंस्ट्रक्शन है या फिर इनमें जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है वो पूरी की जा सके। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को रोज़ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको कुछ मटेरियल मिले, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड आप चीज़ों को पढ़ सकें। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।